हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंस्पायरिंग एजुकेशन प्लस। इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में आज का अपना टॉपिक है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, विच इज कॉल्ड एडजेक्टिव। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इसे नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। इंग्लिश ग्रामर में उसे हम जानते हैं एडजेक्टिव। अब डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ये बताता है जो वर्ड को, डेफिनेशन पहले समझते हैं। अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स द वर्ड या सेंटेंस या थिंग इज कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड और एडजेक्टिव। ठीक है, अब फटाफट एग्जाम्पल समझते हैं। दिस इज, पूरा सेंटेंस नहीं लिखते हैं, सिर्फ वर्ड्स लिखते हैं। चलिए, ब्यूटिफुल प्लेस। अब इसमें प्लेस कैसी है, क्या डिस्क्राइब हो रहा है? ब्यूटिफुल, सो ब्यूटिफुल क्या हो गया उसका एडजेक्टिव, करेक्ट। ऐसे ही स्मार्ट डॉग, डॉग कैसा है? स्मार्ट, दैट मीन्स स्मार्ट इज अ एडजेक्टिव ऑफ द सेंटेंस। और समझते हैं, क्लेवर बॉय, बॉय कैसा है? क्लेवर, दिमाग से स्मार्ट है, उसे क्या कहते हैं? क्लेवर, इंटेलिजेंट। तो क्लेवर क्या हो गया? एडजेक्टिव। वैसे ही एक और समझते हैं, ट्रस्टवर्दी एनिमल। एनिमल कैसे होते हैं? ट्रस्टवर्दी, जिस पे भरोसा कर सके, ईमानदार, वैसे होते हैं अपने एनिमल। पेट जो भी होते हैं अपने घर में वो बहुत ट्रस्टवर्दी होते हैं, करेक्ट, उसी को कहते हैं एडजेक्टिव, ट्रस्टवर्दी। ये सेंटेंस में ट्रस्टवर्दी एडजेक्टिव है। फिर इनोसेंट बॉय या चाइल्ड, चाइल्ड कैसे होते हैं? इनोसेंट, बच्चे कैसे होते हैं? मासूम, मासूम एक एडजेक्टिव हो गया इस सेंटेंस में। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आया है। प्रैक्टिस कीजिए इसके वर्कशीट्स को। अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।